ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC ही सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रही है। जिला कांगड़ा में निगम का 300 करोड़ रुपए के लगभग स्पेशल रोड टैक्स SRT पेंडिंग है। हालांकि SRT की इतनी बड़ी राशि में पेंडिंग भुगतान के बारे में परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर HRTC से कम्युनिकेट किया जाता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC ही सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रही है। जिला कांगड़ा में निगम का 300 करोड़ रुपए के लगभग स्पेशल रोड टैक्स पेंडिंग है। हालांकि HRTC की इतनी बड़ी राशि में पेंडिंग भुगतान बारे परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर HRTC से कम्युनिकेट किया जाता है, उसके बावजूद पेंडिंग HRTC को जमा करवाने की ओर निगम द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। HRTC के ये पेंडिंग राशि जिला कांगड़ा में स्थित HRTC के विभिन्न डिपुओं की है। सूत्रों की माने तो HRTC की ये पेंडिंग राशि वर्ष 2008 से लेकर अब तक की है। वहीं कुछ निगम डिपुओं की SRT स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों की ओर से जो SRT स्टेटमेंट भेजी जाती है उसे परिवहन विभाग क्रॉस वेरीफाई भी करता है। RTO जिला कांगड़ा डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में HRTC का 300 करोड़ रुपए के लगभग HRT पेंडिंग है। कुछ डिपो की HRT स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। RM की ओर से जो SRT स्टेटमेंट आती है उसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। पेंडिंग SRT के संबंध में समय समय पर HRTC से कम्युनिकेट किया जाता है कि आपका SRT देय है उसका भुगतान करें। जैसे कांगड़ा में देखा जाए तो पेनल्टीज वगैरह मिला के 300 करोड़ रुपया पेंडिंग है और विभाग उनको समय समय पर नोटिस देता है SRT क्लियर करने के लिए। तो सर अगर वो नहीं देते हैं तो विभाग आगे भी कुछ कार्रवाई करेगा? नहीं देखिए, इसमें तो हम सिर्फ डिमांड रेज कर सकते हैं क्योंकि मामला सरकार के लेवल का है। HRTC सरकारी उपक्रम है और लोगों की सुविधा से जुड़ा हुआ है, तो इस मामले में जो फाइनल डिसीजन लेना हो तो सरकार को ही लेना।